हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं। साइंस का पहला टॉपिक है हमारा लाइट। उसके बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो हमारा होता है 3 × 10² मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो हमारा होता है करित, यानी कि किरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है? तो हमारा 460 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण घटित होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट, जो सूर्य ग्रहण कब होता है वो हमारा अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो हमारा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण जगमगाता है, वो हमारा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण जगमगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरे किसी बर्तन में भरा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो हमारा ऑप्शन है बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से लटकाकर बैठा हुआ व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। वो हमारा ऑप्शन है ए, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई कम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में दिखाई जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है, इसका व्याख्या की जा सकती है? ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, जब कोई कम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में दिखाई जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो हमारा ऑप्शन है डी, अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है? तो हमारा ऑप्शन है बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? तो हमारा ऑप्शन है ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाती है तो वह कैसी होती है? तो हमारा ऑप्शन है बी, अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश होता है संघनन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश होता है संघनन माध्यम और आपतन कोण से अधिक होता है, ये क्वेश्चन तो देखे ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो हमारा ऑप्शन है डी, आपतन और परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग मिर्चिका बनाने वाले परिघटना को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन है डी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट या शरीर के एनी आंतरिक एग्नो के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो हमारा है ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परिघटना के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तरल से भरे हुए वीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो हमारा ऑप्शन है ए, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है क्यों होता है? तो हम होता है अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा के बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष कितने रंग के दिखाई देते हैं? ये तो सबको पता है, वो हमारा 7 रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा ऑप्शन है डी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधित माध्यम युग्म के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का संघनन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, संबंधित माध्यम युग्म के क्रांति कोण से अधिक तापमान ताप आपतन कोण का संघनन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो हमारा ऑप्शन है बी, समग्र आंतरिक परिवर्तन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें पहला, कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु का अस्पष्टता नहीं देख सकता। सेकंड, कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को अस्पष्टता नहीं देख सकता।
थर्ड, आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हटा जाता है। फोर्थ, आँख का दृश्य बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाता है। उपयुक्त कथनों से कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन है डी, 2 और 3 सही है, क्योंकि 2 में क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, क्योंकि कोई भी वस्तु ज़्यादा नज़दीक हो जाए तो दिखाई नहीं देगा। 3 नंबर क्या कहता है, आँख का निकट बिंदु असामान्य स्थिति से दूर हटा जाता है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन है वी, ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्रकर लेंस और एक नेत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो वो हमारा आता है परिकर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या कारण है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका इससे क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन है बी, आवृत्ति समान रहती है, आवृत्ति समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीला प्रकाश का परिकर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होती है। वातावरण में प्रकाश के विसरण निम्नलिखित की वजह से होती है, तो हमारा ऑप्शन है धूलकण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देता है, ये सबको पता है काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किस कांच से टुकड़े के अंत स्थापित है? उस बुलबुले से गुजरी हुई प्रकाश की किरणें के लिए वह बुलबुला किसी एक तरह व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करता है? तो हमारा ऑप्शन है अभिसारी लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त की जाती है क्योंकि? यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त की जाती है क्योंकि, ऑप्शन हमारे से लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? समुद्र नीला प्रतीत होता है, वो हमारा होता है आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो हमारा ऑप्शन है डी, प्रकाश का परिकर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो हमारा आंसर है बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे आकाश में वास्तव से जितने ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो हमारा ऑप्शन है ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूखा हुआ बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू बुद्धिहीन दिखाई देता है? ऑप्शन हमारा है बी, इसका कारण परिवर्तन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? परिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो हमारा ऑप्शन है सी, समतल दर्पण का।